हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सब लोगों का वाइज ज्ञान चैनल के ऊपर। मेरा नाम है सुधांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जो है मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड। जजमेंट सीरीज में ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपके स्क्रीन पे पॉपअप भी आ रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश चंद डागा वर्सेस सविता शर्मा एंड अदर्स। तो इसमें सबसे पहले जो जजमेंट डे था वो था 14 दिसंबर 2018। जो पेटिशनर थे वो प्रकाश चंद डागा और रिस्पोंडेंट सविता शर्मा एंड अदर्स। तो ये बहुत ही छोटा और सरल सा केस है। इसे इसके बैकग्राउंड को आइए समझते हैं। यदि आपने इसके बैकग्राउंड को समझ लिया तो सारा केस ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं बैकग्राउंड क्या है। प्रकाश चंद डागा जी ने अपनी सेंट्रो कार सविता शर्मा को बेचा 11 सितंबर 2009 को, जिसके बाद 9 अक्टूबर 2009 को उस कार के द्वारा एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें राकेश कुमार को इंजरी हुई और पार्शियल डिसेबिलिटी हुई, जिसकी वजह से मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कंपनसेशन प्रोवाइड किया राकेश कुमार को, वो था 12,47,000 का। अब दिक्कत ये थी कि कंपनसेशन कौन पे करेगा। तो समझते हैं कंपनसेशन कौन पे करता है एक्चुअल में। तो 2 तरीके से कंपनसेशन पे होती है। एक तो इंश्योरेंस कंपनी जब कंपनसेशन पे करे, एक ओनर ऑफ द व्हीकल जिसने एक्सीडेंट करा है वो कंपनसेशन पे करे। तो जब इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करती है क्लेमेंट को, तो उसके पास ये राइट है कि जिसने एक्सीडेंट करा है उसके ओनर से वो मनी रिकवर कर सके। और दूसरा, ओनर को ओनर डायरेक्टली पे कर सकता है क्लेमेंट को। तो इस केस में क्या हुआ, ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रकाश चंद डागा और सविता शर्मा को ज्वाइंटली ये कंपनसेशन पे करने के लिए, ज्वाइंटली पे करने के लिए क्यों कहा, ये सारी बातें आगे आ जाएंगी, पर फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि इन्होंने ज्वाइंटली पे करने के लिए कहा। जिसके बेसिस पे प्रकाश चंद डागा जी ने हाईकोर्ट में अपील की ट्रिब्यूनल के डिसीजन को, लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का डिसीजन अपहेल्ड किया और प्रकाश चंद डागा जी की अपील रिजेक्ट कर दी। अब ये समझते हैं ये तो प्रकाश चंद डागा जी के साथ गलत हुआ, क्योंकि प्रकाश चंद डागा जी ने तो अपनी कार बेच दी थी। तो इसके एज पर रूल इसके ओनर को कंपनसेट करना चाहिए था, तो इसके ओनर अब सविता शर्मा होगा। लेकिन इसको लॉ से समझते हैं, एक्ट से समझते हैं कि ये एक्चुअल में ओनर इसका कौन है। तो सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। अब जहाँ भी मैं द एक्ट कहूँगा, आप वहाँ पे समझ लेना मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है जो हर कोई यूज करता है। तो इसके बेसिस पे ओनर होता कौन है। ओनर वो पर्सन है जिसके नाम पे मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड है। यदि वो जिसके नाम पे मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड है वो एक माइनर है, तो उस केस में उसके जो गार्जियन है वो ओनर कहलाएंगे। और इन केस यदि किसी ने हायर पे लिया है, परचेज किया है, आप कभी घूमने जाते होंगे तो आप व्हीकल आप भाड़े पे लेते होंगे, तो उस केस में ओनर कौन होगा। तो जब भी आप कहीं जाते हैं या किसी से भाड़े पे आप गाड़ी लेते हैं, तो एक एग्रीमेंट साइन होता है। नॉर्मल केसेस में नहीं होता है, पर एक्चुअल में ये होना चाहिए। जो एग्रीमेंट कहता है वो उसके अकॉर्डिंग जो भी ओनर है, एग्रीमेंट में यदि लिख रखा है कि ओनर हायर करने वाला है, तो ओनर हायर करने वाला ही होगा। तो ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट के बेसिस पे आएंगी। नॉर्मल केसेस जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है वो ओनर होगा। अब समझते हैं कि जो जजमेंट था कोर्ट का वो क्या था। तो सबसे पहले ये जो 5 अप्रैल 2018 की डेट है, इस दिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन राइट है और प्रकाश चंद डागा और सविता शर्मा दोनों को ज्वाइंटली पे करना है कंपनसेशन, और इसी के अगेंस्ट ये अपील हुई थी। और ये जो कहानी है ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है कि 11 सितंबर को सेंट्रो कार बेची गई थी और 9 अक्टूबर को इससे एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद 12,47,000 रुपए का क्लेम ट्रिब्यूनल ने कंपनसेशन के लिए कहा। जिसके बाद
हाई कोर्ट ने क्या कहा वो हम समझते हैं। हाई कोर्ट फाउंड दैट डिस्पाइट द सेल ऑफ द व्हीकल, गाड़ी बिकने के बाद भी इसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी। अब ये देखते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होने के बाद क्या होता है। तो कोर्ट ने कहा इनकेस यदि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, उस केस में जो एक्चुअल ओनर है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग ही होगा, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 क्या होता है। जिसके नाम पे गाड़ी है वही ओनर होगा। और देखते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर का मतलब क्या है, ये सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये ट्रांसफर होता क्या है एक्चुअल केस में, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफर जो करने वाला है उसे क्या करना पड़ता है और जो ट्रांसफर लेने वाला है उसे क्या करना पड़ता है। तो जो ट्रांसफर करने वाला है उसे क्या करना है, 14 दिनों के अंदर जब उसने गाड़ी अपनी बेची तो उसे ओनरशिप ट्रांसफर करवाने के लिए 14 दिनों के अंदर उसे रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसे इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने ये गाड़ी ऑलरेडी दे दी है और हम प्रोसीड करना चाहते हैं ओनरशिप ट्रांसफर के लिए। अब देखते हैं ओनरशिप, ये इसका टाइम जो होता है ये 14 दिनों का ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि यदि 14 दिनों के बाद आप इस चीज़ को करते हैं तो उस केस में ये वैलिड ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है, स्पेशल केस में ये कंसीडर किया जाएगा फिर आपका। तो ये तो ड्यूटी होगी उसकी जो ट्रांसफ़र कर रहा है, जो ट्रांसफ़र ले रहा है उसे 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी मीन्स RTO में जो RTA रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिसर बैठते हैं ये उनके बारे में रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी कहता है। तो विद इन 30 डेज इन्हें सारे प्रिस्क्राइब्ड फी और जो रिपोर्ट की कॉपी है जो ऑलरेडी ट्रांसफर से उन्हें मिली है उसके साथ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को देनी पड़ती है, जिसके बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेंज करते हैं। और यदि इन केस आप भी कभी कोई गाड़ी ले तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि 14 दिनों के अंदर अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन दे दें RTO को कि आपने गाड़ी ऑलरेडी बेच दी है, ठीक है। अब इस ये केस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस वजह से कंपनसेशन दोनों को देना पड़ा। अब पढ़ते हैं कि कुछ एग्जाम्पल कोर्ट ने दिए थे, और एग्जाम्पल क्या था कि इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू मेक द कंपनसेशन टू द क्लेमेंट, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करेगी क्लेमेंट को, और इंश्योरेंस कंपनी के पास रिकवरी का राइट है रजिस्टर्ड ओनर से। ये दूसरा केस था जिसका एग्जाम्पल कोर्ट ने दिया था, नवीन कुमार वर्सेज विजय कुमार एंड अदर्स का केस था ये। अब देखते हैं इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई और जिसकी वजह से सेक्शन 177 ऑफ द एक्ट के अंतर्गत फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। सेक्शन 177 क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके बेसिस पे कोई भी प्रोविजन से यदि उल्लंघन करता है उस केस में उन्हें फाइन लगाया जा सकता है। और कोर्ट ने इसे सेटल करके समराइज क्या किया उन्होंने कि ट्रांसफर ओनरशिप ट्रांसफर के लिए जो लॉ बनी है उसके अकॉर्डिंग ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की गई 14 दिनों के अंदर, और जिसके नाम पे RTO में रजिस्टर्ड है जो नाम वही लायबल होंगे इन केस ऑफ एनी डैमेज और एनीथिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल। तो इस केस में आपने समझ लिया कि जिसके नाम पे RTO में जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है गाड़ी वही लायबल होंगे, ठीक है, किसी भी केस के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाई कोर्ट ने जो ये अपील को रिजेक्ट किया है ये सही था, और इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस अपील को डिसमिस कर दिया विदाउट एनी कॉस्ट चार्ज। सो थैंक यू, इस लेक्चर में बस इतना ही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वाइज ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।